नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बुक लेके आई हूँ। वो है आपकी क्वेश्चन बैंक ऑफ हिस्ट्री। स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ने के बाद या ओल्डर मिडेवल हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज की प्रॉब्लम होती है यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए, तो ये क्वेश्चन बैंक है। आप यहाँ से चैप्टर्स वाइज रिविज़न कर सकते हो किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने की। ये एमसीक्यू सॉल्व वाली बुक है आपकी जो स्क्रीन पे है, और ये आपको विनय जीबी के द्वारा इसको लिखा गया है और इसको एडिटेड भी किया गया है। एमसी ग्रो हिल्स से इसको पब्लिश किया जाता है। बात समझ में आई ना? मैं इसकी कॉस्ट बताऊंगी आपको, कंटेंट भी दिखाऊंगी और इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। सो मेरे साथ बने रहें ताकि आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिख जाएँ इस बुक के अंदर। बहुत ही अच्छी बुक है, देख सकते हो। ऑनलाइन आपको जो है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, स्नैपडील पे भी। उसका लिंक मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री की जो बुक है ये देख सकते हैं, इस यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये यूपीएससी जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये जो बुक जो है रिकमेंड की गई है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर लिखा हुआ अभी सिविल सर्विसेज, नीचे लिखा हुआ इंक्लूड्स टॉपिक वाइज सॉल्व मॉडल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो और इस वाली बुक को रिव्यू कराने के लिए भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि मैं आपके सामने ऐसी जो बुक है रिव्यू कराती रहूं। तो मेरे साथ चैनल पे भी बने रहोगे, लाइक और सब्सक्राइब से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कोई बुक अगर मैं रिव्यू कराऊंगी तो। इसके अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, ये कंटेंट है इसका, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें चैप्टर वाइज जो है क्या है, इसमें भक्ति सूफी आंदोलन जो है और ये है, तो इन सभी से रिलेटेड इनमें क्या है एमसीक्यूज़ हैं, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड ये आपको दिखाई दे रहे हैं। एंशियंट मेडाइवल, फिर आपके ये आ जाते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हो ये, फिर ये पूरा इसका क्या है कंटेंट है। तो इस कंटेंट जो है इससे सारे से रिलेटेड सभी से कुछ चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यूज़ हैं और सफिशियंट एमसीक्यूज़ हैं, आपकी जो है सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिर ये प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो जो जो हिस्ट्री के, और मार्कशीट भी है आंसर की भी दिया हुआ साथ ही साथ, और एक्सप्लेनेशन भी। मैं आपको अगर कॉस्ट की बात करूँ, ये आपको 310 रुपये में इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इसको ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके भी, मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप इसको ख़रीद सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पे पहला है आपका ये चैप्टर है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इससे रिलेटेड मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये बिल्कुल ऐसे पैटर्न ऑफ प्रीलिम जो एग्ज़ाम है उससे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, देख सकते हो आप। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये हरप्पन इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका यहाँ से आ जाता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस टाइप के जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहे होंगे। तो ये इसके जो है क्वेश्चंस की बात रही, और एंड में जो है क्या है इसके में
एंड में इसके में देखो आंसर्स भी हैं, आंसर की ये ही देखो आप देख सकते हो, तो आंसर की साथ दी हुई है इसमें, ठीक है, और OMR सीट भी साथ की साथ दी हुई है। वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको जल्दी ख़रीद लें ताकि आपको कोई भी प्रीलिम एग्ज़ाम से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो इसका येलो पेज और ये वाली बुक ख़रीदें, ठीक है। और ओरिजिनल बुक का ये होता है कि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ एक लस्टर टाइप का एक आपको यहाँ पे एक वो दिखाई देती है, तो ये इसका मतलब ये ओरिजिनल बुक है, ठीक है। तो यही आपको ख़रीदनी है, और इसका बैक पेज मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक पेज ये है, अबाउट द एडिटर के बारे में लिखा हुआ, साइलेंट फीचर्स इस बुक के बारे में लिखे हुए हैं कि भाई इस बुक की क्या क्या क्वालिटी है। तो जल्दी ख़रीद ले और देर ना करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके एमसीयू से भी। अगर इसको ले लोगे तो फिर आपको जो है मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसी से ही आपका काम चल जाएगा प्रीलिम एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट बुक लेके आऊँगी, और आप मुझे कमेंट में करके बताएं मैं नेक्स्ट बुक कौन सी रिव्यू कराऊँ, फिर मैं आपके लिए वही बुक रिव्यू कराऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले और ठोक के लाइक कर दे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लाती रहूँ।